Moment of inertia of a circular disk of mass m and radius r about an axis passing through its center of mass is I naught. तो हम कह सकते हैं कि पहली जो डिस्क मुझे दे रखी है, डिस्क वन, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, इट इज़ आई नॉट, विच इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है. दूसरी डिस्क की फिर इन्होंने बात की है कि एक और डिस्क है यहाँ पर जिसका मास तो सेम है. ओके, तो इसका मास सेम है लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो हाफ है और इसकी थिकनेस पहले डिस्क के जितनी सेम है. अब हमें इस दूसरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बताना है कितना होगा. तो पहले डिस्क का मास कितना है m, दूसरी डिस्क का मास कितना है m, इसका जो रेडियस है वो कितना है r1, वो r है. इसके रेडियस की कोई जानकारी नहीं दे रखी हमें. इसकी जो डेंसिटी है रो वन वो कितनी है रो, इसकी डेंसिटी कितनी है रो टू रो बाय टू, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, जो रो टू है वो रो वन का हाफ है. रो टू कितना होगा एम टू बाय वी टू, मास बाय वॉल्यूम होती है ना डेंसिटी, और रो वन कितना होगा एम वन बाय वी वन. ठीक है, इंटू वन बाय टू आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला टू लिखा है मैंने. अब एम टू और एम वन दोनों से ही मैं इनको कैंसिल कर दूँ. वी टू वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं भाई, डिस्क की वॉल्यूम कितनी होती है, वो होती है उसका एरिया इंटू उसकी थिकनेस. तो वन बाय इसका जो एरिया है ए टू इंटू इसकी थिकनेस, थिकनेस टी, थिकनेस हमें दे रखी है दोनों की सेम होगी. तो ये जो होगा इट विल बी इक्वल टू वन बाय ए वन इंटू टी इंटू वन बाय टू. टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर. तो मेरे पास ये रिलेशन आ रहा है यहाँ पर कि ए टू जो है इट विल बी इक्वल टू टू ए वन. अब ए टू कितना होगा पाई आर टू स्क्वायर, और ए वन कितना होगा पाई आर वन स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर टू स्क्वायर जो है वो टू आर वन स्क्वायर के बराबर आ रहा है. आर वन कितना है मेरे पास आर, तो आर टू स्क्वायर कितना आ रहा है मेरे पास टू आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये जो नई डिस्क है मेरे पास, दूसरी जो डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू जो है वो कितना होगा एम इंटू आर टू स्क्वायर बाय टू. और आर टू स्क्वायर की वैल्यू जस्ट मैंने फाइंड की है कितनी टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू. तो यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर. अब हम देख सकते हैं कि आई टू जो है वो एम आर स्क्वायर आया है, और आई नॉट कितना था पहले वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था एम आर स्क्वायर बाय टू. तो हम ये कह सकते हैं कि आई टू जो है वो टू आई नॉट के बराबर है. ठीक है, डबल है आई नॉट का. तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन डी. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. क्या दे रखा है, व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑन इट मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स. ओके, क्या दे रखा है, सीलिंग फैन को हमने जस्ट ऑन किया है यानी कि उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी जीरो. तो वो कितनी रेवोल्यूशंस कर रहा है 10 रेवोल्यूशंस कर रहा है. 10 रेवोल्यूशंस का मतलब हो गया 10 इंटू टू पाई रेडियंस, तो ये आ गया 20 पाई रेडियन. कितने टाइम में कर रहा है टी टाइम में, टी टाइम कितना है 3 सेकेंड्स. अब क्या कह रहे हैं, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मान लो सेम रहती है, हाउ मेनी रोटेशंस इट विल मेक इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड्स. ठीक है, तो पहले हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर कि हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे मैं बता देती हूँ. हम लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अब थीटा मुझे दे रखा है यहाँ पे 20 पाई, ओमेगा नॉट जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा मुझे निकालना है और टाइम मुझे दे रखा है 3. तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा 40 पाई बाय 9, ये आ गई अल्फा की वैल्यू. ठीक है, अब अगले 3 सेकंड में, यानी कि 3 सेकंड तो वो चल लिया, अगले 3 सेकंड के लिए पूछा है मुझसे कि अब और कितनी रोटेशन करेगा अगले 3 सेकंड में. तो हम क्या कर लेते हैं, हम इनिशियल सिचुएशन ही मान लेते हैं कि टोटल 6 सेकंड में कितनी रोटेशन करेगा हम वो निकाल लेते हैं पहले. ठीक है, तो अब हम टाइम को कितना मान लेते हैं 6 सेकंड, टाइम को 6 सेकंड मान लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं नया कितना आएगा. तो ओमेगा नोट तो जीरो ही है, तो पहला टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ
अल्फ़ा कितना आया मेरे पास अभी, 40π/9। टाइम कितना लिया मैंने, 6 सेकेंड, तो 6 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 20π/9 इंटू 36, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 80π रेडियन। ठीक है, तो 6 सेकेंड में टोटल ये कितनी रोटेशन करेगा, 80π रेडियन के बराबर है, इतना घूम जाएगा मतलब। तो डिफरेंस कितना आया इन दोनों के बीच का, ये आया 80π-20π रेडियन। अब ये मैंने कैसे लिखा है मैं बता देती हूँ, क्योंकि भाई टोटल 6 सेकेंड में ये इतना घूमा और पहले 3 सेकेंड में ये इतना घूमा, तो यानी कि ये आखिरी के 3 सेकेंड में कितना घूमा होगा। टोटल में से हम शुरू के 3 सेकेंड वाला रोटेशन माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 60π। तो 60π रेडियन के बराबर आ गया। ठीक है, अब रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना होगा किस में, रेवोल्यूशन में। तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन जो है, 2π रेडियन जो है वो 1 रेवोल्यूशन के बराबर है, तो 1 रेडियन कितना हो गया, 1/2π रेवोल्यूशन। तो मेरे पास आंसर आएगा 60π × 1/2π, इतनी रेवोल्यूशंस, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 60 कैंसिल, आंसर आ जाएगा अपने पास 30। तो ये हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, अ बॉल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर दे रखा है 11 सेंटीमीटर, मास दे रखा है मुझे इस बॉल का कितना, 8 kg। इट रोल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रोल हुई है, यानी कि ओमेगा नॉट जो है वो 0 है। कितना चली, रैम्प की लेंथ कितनी है दे रखी है, 2 मीटर। रैम्प का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मुझे दे रखा है कितना, 35 डिग्री। व्हेन द बॉल रीचेस द बॉटम इट्स वेलोसिटी इज ओके। तो अब कुछ ऐसा सीन दे रखा है मुझे कि मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉल को रखा, उसे रिलीज़ किया मैंने रेस्ट से, ये जो बॉल है ये 2 मीटर लेंथ चली इंक्लाइंड प्लेन पर, इसकी मुझे ये इंक्लिनेशन दे रखी है कितनी, 35 डिग्री। ठीक है, अब हमें बताना है कि जब ये नीचे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब होगा ऐसा कि यहाँ पर बॉल के पास इनिशियली कुछ एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि ये कुछ एच हाइट ऊपर है, तो इसकी अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। लेकिन जब ये नीचे जाएगी तो इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं 1/2 i ω², ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं 1/2 mv². ठीक है, यहाँ से हमको अब क्या निकालना है, ये v निकालना है। तो चलो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करने लगते हैं। पहले क्या दे रखा है भाई मेरे को, m g। अब h जो है, h मुझे डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लेंथ कितनी है, 2 मीटर, ये हाइट है h, और ये एंगल दे रखा है 35। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ यहाँ पर कि h बाय 2 जो है वो साइन 35 के बराबर होगा, यानी कि h जो है वो 2 sin 35 के बराबर होगा, 2 × sin 35 डिग्री। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, 2 sin 35 डिग्री, इट इज़ इक्वल टू 1/2। अब i कितना होगा भाई, बॉल है सॉलिड स्फीयर मानेंगे हम इसको, तो 2/5 mr², ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, v की टर्म में लिखेंगे, v इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v/r² प्लस 1/2 mv². ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब अगला स्टेप जो आएगा वो कितना लिखा जाएगा, 2 mg sin 35 डिग्री इक्वल टू, ये पहला टर्म क्या आ जाएगा, mr² / 5 × v² / r² प्लस mv² / 2। तो ये r² और r² कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या बचेगा यहाँ पर, mv² / 5 प्लस mv² / 2, इनको ऐड करके अपने पास आएगा 7 mv² / 10।
ठीक है, अब देखो तो ये एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अभी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा यहाँ पर, तो अब देखते हैं आगे इसको कैसे करेंगे। ओके, तो मेरा इक्वेशन बन रहा है अब 2g sin 35, 2g sin 35 डिग्री इक्वल टू 7v² बाय 10, 7v² बाय 10। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, 2 × g की वैल्यू लेते हैं 9.8 इक्वल टू 7v² बाय 10, इसको सॉल्व कर लो और आगे, तो वी स्क्वायर अपने पास कितना आ जाएगा, 2 × 9.8 इंटू 0.57 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 1.4 और ये आ जाएगा अपने पास 2.8 इंटू 0.57 इंटू 10, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 15.96। तो वी मेरे पास आ जाएगा, वी स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 16, तो वी आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन सी। ठीक है, रोटेशनल मोशन की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। तो इस लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक बड़ी डिस्क है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। इसमें से हमने एक छोटी सी डिस्क को कट कर लिया जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इस तरह से ये रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। अब ये दे रखा है कि बड़ी वाली डिस्क और छोटी वाली डिस्क के सेंटर में जो डिस्टेंस है इन दोनों के सेंटर के बीच में वो है 3.2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। तो जब बड़ी वाली डिस्क में से अब हम ये छोटी वाली डिस्क को कट कर देंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। कैसे शिफ्ट करेगा, ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ सेंटर पर, ऊपर, लेकिन जब इतना पोर्शन हमने कट कर दिया, निकाल दिया बाहर, तो सेंटर ऑफ मास अब कहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ पर ओ डैश पर। ठीक है, तो हमें ओ डैश की पोजीशन निकालनी है कि क्या होगी। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हम सारे डिस्टेंसेस यहाँ सेंटर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये ओरिजिन मान लेते हैं हम, तो सारे जो जितने भी डिस्टेंसेस हैं यहाँ से कैलकुलेट किए जाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि एक्स इज़ इक्वल टू m1 x1 + m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही केस हो रहा है, यहाँ पे तो हमने एक बड़े ऑब्जेक्ट में से छोटे ऑब्जेक्ट को काट दिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x अब जो होगा इस केस के लिए वो होगा m1 x1 - m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 - m2, क्योंकि हमने m2 को m1 में से हटा दिया। ठीक है ना, अब आगे हम क्या लिख सकते हैं m1 m2 के बारे में। अब ये m1 और m2 क्या है, आप देख सकते हो कि ये एक डिस्क है, डिस्क पर जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके सरफेस एरिया पर। तो यहाँ पर ये जो डिस्क पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m1, वो कितना होगा, सिग्मा इंटू पाए r1 स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसकी मास डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, और ये क्या हो गया, एरिया पाए r1 स्क्वायर। तो m1 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाए इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 सिग्मा इंटू पाए। उसी तरह से m2 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाए इंटू r2 का स्क्वायर। अब r2 कितना है, छोटे वाले डिस्क का रेडियस कितना है 2, तो सिग्मा इंटू पाए 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 सिग्मा पाए। ठीक है, अब x1 क्या है, बड़ी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही है वो, तो है ना, तो x1 कितना आ जाएगा मेरे पास, 0। x2 क्या है, छोटी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, अब वो कितना है, इतना, तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 3.2।
ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यूज हम x के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो x आ रहा है अपने पास 1 m1 कितना था 36 सिग्मा पाई इंटू x1, x1 कितना था 0 माइनस। अब छोटा वाला जो डिस्क था उसका मास कितना था देख लो ज़रा, 4 सिग्मा पाए। अब r2 कितना है 3.2 डिवाइडेड बाय m1 कितना है 36 सिग्मा पाए और m2 कितना है 4 सिग्मा पाए। सॉल्व कर लो इसको, ये पहला टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म कितना आ जाएगा 4 × 3.2 इंटू सिग्मा पाए डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 32 सिग्मा पाए। और सिंपलीफाई कर लो इसको, तो माइनस इंटू 4 × 3.2 इंटू सिग्मा पाए डिवाइडेड बाय 32 इंटू सिग्मा पाए, सिग्मा पाए कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल होके 0.1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -0.4 सेंटीमीटर। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है अब ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रोटेशनल मोशन की जिपमर सीरीज के क्वेश्चन की वीडियोस जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। अब अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी ग्रेविटेशन के ऊपर। अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मेरी तरफ से बेटा आपको ऑल द बेस्ट, एंड अगेन हमेशा की तरह अपने आप में विश्वास रखिए कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं फिर।